श्री राम की नगरी अयोध्या में कुछ ऐसा ही माहौल है, दिव्य और भव्य। अयोध्या में अब की राम की दिवाली मनाई जा रही है। इस बार की दिवाली ऐसी होगी जो सालों साल तक लोगों के जहन में रच बस जाएगी। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने खुशी में अपने घरों में दिए जलाए थे। और कहा तो ये भी जाता है कि तभी से दीपावली का त्योहार शुरू हुआ। हालांकि इस बार भी ऐसी ही दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। और 22 जनवरी को रामलला भव्य राम मंदिर में विराजेंगे, और उससे पहले अयोध्या ऐतिहासिक दिवाली मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। आपको हम सीधे लिए चलते हैं राम नगरी अयोध्या, जहां सरयू तट पर हमारी सहयोगी सपना शुक्ला मौजूद है। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बहे सरयू पावनी। इसका मतलब कि अवधपुरी सबसे सुंदर पुरी, सबसे सुंदर शहर, जिसकी उत्तर दिशा में बहती है ये सरयू नदी, जिसके तट पर मैं खड़ी हूँ। जो सरयू नदी अब तक 6 बार जो है दीपोत्सव की गवाह बनी है, और 7वीं बार एक नया रिकॉर्ड दर्ज करने जा रही है। एक बार मैं आपको इस सरयू तट की जो है तस्वीरें दिखा देती हूँ। राम की पैड़ी अयोध्या ने हर युग को जिया है, हर युग को देखा है, और हर दिन नए इतिहास को गढ़ा है। और एक बार फिर से कल वो एक इतिहास गढ़ने जा रही है। यहाँ आप तस्वीर देखिए, ये जो दिए आप देख रहे हैं, ये दिए आज लगा दिए गए हैं। आज क्या काम किया गया, आज फाइनल टच दिया गया कि जितने भी टूटे हुए दिए हैं उन सबको हटा दिया गया, और यहाँ सभी सजे हुए दिए यानी कि जो सही दिए उन्हें रखा गया। यहाँ जो है एलईडी का शो होगा, जो आप लाइट लेजर शो देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, और नसीब दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन, वो मंच बना हुआ है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। भव्य राम दरबार वहां पर लगाया जाएगा और वहां से लेजर लाइट शो चलेगा। हर बार दीपोत्सव खास होता है। जब पहली मर्तबा हुआ तो लगा कि कैसे इतने दिए जल जाएंगे, लेकिन हर साल अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। कुछ संत जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इनके लिए ये दिन बड़ा खास है। कैसे देख रहे हैं ये कल का दिन और 22 जनवरी खास तौर पर? बहुत ही अद्भुत। एक बार उद्घोष चाहूंगी, अयोध्या में हूँ तो सीताराम के उद्घोष के साथ ही। बलराम चंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, मंगलम कौशलेंद्रायो महनिदव गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। ये जो दिन है हम लोगों के लिए बहुत ही खास है, और हमें लगता है कि हमारे लिए ही नहीं, केवल भारत के ही सनातनियों के लिए ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व के, समूचे विश्व के सनातनियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने जा रहा है, बहुत मंगल होने जा रहा अच्छा, है। अच्छा लगता होगा ना आप लोगों को कि हर दिन आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जल्दी से जवाब। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है, और हम लोग चाहेंगे कैसे रोज नित्य आए, एको दिन ऐसा ना हो कि दीपोत्सव ना हो। ऐसे और बड़े बड़ भागी हैं आप लोग, अयोध्या के लोगों को तो बड़ा बड़ भागी बताया गया रामचरितमानस में भी। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं अयोध्या किस तरीके से तैयार हो रही है 22 जनवरी के लिए भी। कल दीपोत्सव होना है, लेकिन जनवरी में 22 जनवरी की तारीख ऐसी तारीख होने जा रही है जिस पर आप देखेंगे कि राम लला के जिस मंदिर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, सदियों तक लड़ाई लड़ी गई, किस तरीके से सियासत ने भी अपने रुख को मोड़ा है, किस तरीके से पार्टियां उस पर लड़ती रहीं, लेकिन 22 जनवरी को वो होने जा रहा है। इन सबके बीच में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन गया, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आज निमंत्रण दिया गया। इन सबके बीच में आपको हम न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं उस राम मंदिर की जिसमें रामलला 22 जनवरी को विराजमान होंगे, गर्भगृह की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में सज गया दरबार, अवध में आ रही हैं प्रभु श्री राम। भव्य मंदिर के कण कण में श्री राम की झलक, सरयू के तट पर होगी राम के नाम की दिवाली, जैसा किसी ने देखा नहीं, जैसी किसी ने कल्पना की नहीं, जैसा सिर्फ त्रेता युग के बारे में लोगों ने सुना था, वैसी होने वाली है अयोध्या में इस बार की दिवाली। अयोध्या की गली गली में इस बार की दिवाली को लेकर जो माहौल है, जो हवा इस वक्त अयोध्या में बह रही है, वो पूरी तरह से राममय हो चुकी है।
ऐसा लग रहा है जैसे इस बार की दिवाली प्रभु श्री राम के आगमन के लिए हो रही है। पूरी अयोध्या राम लला का इंतजार कर रही है, इंतजार राम लला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का, अयोध्या के विशाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्भगृह के अंदर, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा रामलला का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में और तमाम डिग्निटरीज की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये वही जगह है जहां पर 51 इंच के भगवान रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा यहीं पर, और उसके बाद यहीं पर पूजन अर्चन करेंगे श्रद्धालु। यहीं पर आके जब श्रद्धालु आएंगे भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या, तो यहीं पर भगवान रामलला को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा यहीं पर होगा। गर्भगृह का नजारा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, और देखिए यहाँ पर गर्भगृह का जरा नजारा देखिए, हर तरफ का काम, गर्भगृह का काम पूरा 100% पूरा हो चुका है। जहां पर हम नीचे मौजूद हैं, यहां पर नीचे मार्बल्स का काम पूरा हो चुका है, और साथ ही साथ दीवारों पर देखिए आप मकराना मार्बल्स इसको यहाँ पर लगाया गया है, और बेहतरीन नकाशी, जैसे पूरे मंदिर परिसर में नकाशी की गई है, ठीक वैसी ही नकाशी जो है भव्य गर्भगृह में भी किया गया है। और यह मैं आपको एक एक तस्वीर गर्भगृह का यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर जो आधारशिला रखी गई थी मंदिर का, ठीक यहीं पर रखा गया था, यहीं पर भूमि पूजन हुआ था। ये वही जगह है, और यहीं पर भगवान रामलला को यहाँ पर, यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये वही जगह है, और यहाँ पर देखिए, यहीं पर आधारशिला रखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था, और ये गर्भगृह का नजारा है, अद्भुत नजारा है। करीब दो महीने बाद यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह यहाँ पर होगा, और यहाँ पर देखिए जो इंजीनियर्स जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, जरा ये नज़ारा देखिए, यहाँ पर देखिए जरा यहाँ इस ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये वही जगह है, गर्भगृह का जगह है। जय श्री राम, भगवान राम का यहाँ पर झंडा आप देख पा रहे हैं। ये वो इंजीनियर हैं जो लगातार 24/7 काम कर रहे हैं। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा यही होगा, यही होगा। ये गर्भगृह है, ये 56 फीट नीचे से आया है, और बाकी का जगह 48 फीट। यहाँ पे नीचे यंत्र डाला गया है, यहाँ से जो भी भगवान को जो भी अर्पित किया जाएगा वो नीचे जाएगा, अगर जब जरूरत पड़ेगी तब इस पैसे का उपयोग करके मंदिर बना सकते हैं। मतलब सोने चांदी हीरे जवाहरात अगर किसी के पास है, जरा इधर तस्वीरें दिखाइए, सोने चांदी हीरे जवाहरात है तो लोग हम इसमें दान करते हैं। ये सीधे नीचे जाता है, कितना नीचे जा रहा है? 56 फीट नीचे जा रहा है, अभी तक लगातार लोग दान करते आ रहे हैं। दान करते हैं। अभी भी एक किसी ने किया यहाँ पे, दान कर दिया, अभी किसी ने अपने गले की चेन डाल के डाल दिया, सिर्फ यहाँ पे अपना इंडियन करेंसी और करेंसी नोट यहाँ पे नहीं डालते। 56 फीट नीचे ये जा रहा है, और जब कभी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल किया जाए। 2000 क्योंकि इस मंदिर की गारंटी लेने 2000 साल की दी है, 2000 साल के बाद अगर मंदिर को कुछ होता, अगर पुनर्निर्माण करना है तो उसके लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं लोग, उस पैसे का इस्तेमाल कर, मतलब इसके अंदर जो सोने चांदी, जो इसके अंदर जो सोने चांदी हीरे जवाहरात दान किए गए हैं 2000 साल बाद, इसका इस्तेमाल अगर जरूरत पड़ती है तो इसको निकाल के किया जा सकता है। राम मंदिर के निर्माण का कार्य अपने अंतिम दौर में है, 22 जनवरी की डेडलाइन है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गर्भगृह के इसी भव्य मंडप के तले शुभ मुहूर्त में राम लला विराजेंगे। गर्भगृह की नक्काशीदार दीवारें राम लला के स्वागत के लिए तैयार है। अब मैं आ गया हूँ गर्भगृह के अंदर, यानी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान रामलला के, उस जगह पर मैं आ गया हूँ जहाँ पर ये समारोह होगा, वहां पर मैं पहुंच गया हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं तो नीचे जो मार्बल्स हैं, ये मार्बल पूरी तरीके से बिछा दिए गए हैं और बस इन्हें ढक कर रखा गया है। देखिए ये मार्बल, देखिए मार्बल पूरी तरीके से यहाँ पर बिछा दिए गए हैं और इन्हें ढक कर रखा गया है, इन मार्बल को। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से नीचे का फर्श का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और इसे ढक कर रखा गया है, और बेहतरीन काम किया गया, बस इस पर अब एक हल्का सा फिनिशिंग का भी जरूरत नहीं है, बस इसकी धुलाई होनी है। गर्भगृह के अंदर ये जो मार्बल्स लगे हैं, राजस्थान के मार्बल्स हैं, और यहाँ पर देखिए आप
ये तस्वीरें देखिए, बेहतरीन नक्काशी। जरा ऊपर का भी नजारा आप दिखा दीजिए, ऊपर का भी नजारा हम दिखा रहे हैं। जरा पीछे की तरफ का नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ ये देखिए ये, और इसके अलावा ऊपर का नजारा, साइड का नजारा, नीचे का नजारा हमने आपको दिखा दिया। और ये वो जगह है जहां पर भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। 5 साल के उम्र में जिस तरीके से भगवान राम दिखते थे, उनकी प्रतिमा यहां पर 51 इंच की लगाई जाएगी। और ये मंदिर इस तरीके से बनाया है गया है कि 51 इंच का हो और कोई बाहर से आए तो वहीं से भगवान राम का वो दर्शन पूजन कर पाए। अगर कोई बाहर से ही आता है और उसे वहां रोक दिया जाए तो वहीं से वो दर्शन पूजन कर ले। भगवान राम 5 साल की उम्र के होंगे, तीर धनुष के साथ होंगे, और जो उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा यहीं पर होगा। लगातार जो मूर्तिकार हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। श्री राम मंदिर के भव्य द्वार का स्वरूप भी बेहद दिव्य दिखने वाला है। मुख्य द्वार के दरवाजे मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। अब इस पर आखिरी रंग रोगन का काम मंदिर परिसर में ही होगा और इसके बाद इन दरवाजों पर चढ़ाई जाएगी स्वर्ण परत, जो मंदिर की शोभा को और दिव्य बनाएंगे। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, दरवाजों का एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो गर्भगृह में लगाए जाएंगे, देखिए ये वो दरवाजे हैं जो गर्भगृह में लगाए जाएंगे। बाहर से ये दरवाजे बंद कराए हैं और फिलहाल इन दरवाजों पर जो है इस वक्त पॉलिशिंग का काम किया जाना बाकी है और इसके बाद सोने का चादर इस पर लगाया जाएगा। अद्भुत नजारा होगा इन दरवाजों का। जरा आगे की तरफ आओ और हम आपको यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ पर आपको हम लगातार दिखाएंगे कि ये देखिए ये तस्वीरें, ये दरवाजे हैं और देखिए अद्भुत नजारा इन दरवाजों का आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये दरवाजे गर्भगृह में लगाए जाएंगे, बहुत भारी है और इसे जो बनाया गया है, बनाने के बाद इसको सीधे यहाँ पर लाया गया है अभी, और अब इस दरवाजे को पॉलिश यहीं पर किया जाएगा। पॉलिश करने के बाद इस पर सोने की चादर लगाई जाएगी। तो जो लोग, जो श्रद्धालु इसे देखेंगे, जाहिर तौर पे काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये अद्भुत है, इस पर जो कलाकृतियां की गई हैं, इस पर जिन कारीगरों ने इस पर काम किया, ये अद्भुत है। इस पर अभी पॉलिश किया जाएगा, इसको पॉलिश करने के बाद फिर इन दरवाजों पर सोने की चादर लगाई जाएगी। नजारा अद्भुत होगा, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये इतना भारी है ये कि इसे एक बार में मंदिर परिसर के अंदर नहीं लाया गया, तो कई लोग मिलकर बारी बारी से इसको उठा रहे थे। जरा वाली भी दिखाइए यहाँ पर, और एक बार हम इसको देखिए यहाँ पर, ये देखिए अद्भुत, बहुत ज्यादा ये जो ये दरवाजे बनाए गए हैं बहुत शक्तिशाली हैं। और अभी इस पर पॉलिशिंग का काम बाकी है, सोने का चादर इस पर लगाया जाएगा। अयोध्या में राम लला की परिक्रमा का अपना धार्मिक महत्व माना जाता है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर परिसर में भी भक्तों के लिए परिक्रमा पथ तैयार किया जा रहा है। परिक्रमा पथ मंदिर के चारों दिशाओं से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण कार्य भी अपने आखिरी चरण में है। एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, 95% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। लेकिन मेरे पीछे ये देखिए, 95% से ज्यादा का ये पूरा काम हो चुका है, भव्य राम मंदिर का ये काम है। और 22 जनवरी को यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए परिक्रमा स्थल, और यहां पर बनाया जा रहा है मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा स्थल होगा और उस पर अभी काम लगातार जारी है। इसके अलावा जरा क्लोजअप करके वो शॉट दिखाइएगा, वहां पर वो मुख्य द्वार है, यानी जो भव्य राम मंदिर में एंटर करने के लिए श्रद्धालुओं को मुख्य द्वार से होकर गुजरना होगा। उनके सुरक्षा का चेकअप वगैरह सब कुछ वहीं होगा, चेकिंग वहीं होगी, सुरक्षा गार्ड्स वहीं पे होंगे और वहीं से वो एंटर करेंगे। वो एंट्री पॉइंट होगा और एंट्री पॉइंट के ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं जहां पर ये खुदाई की गई है और जहां पर ये पिलर्स रखे गए हैं, ये परिक्रमा स्थल है और इसको अभी बनाया जा रहा है परिक्रमा स्थल को। तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और देखिए कितनी तादाद में यहां पर लगातार
जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, कितने जेसीबी मशीन्स हैं वो काम कर रही हैं, एक से एक बड़े बड़े जेसीबी मशीन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो लगातार 24/7 यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए जो वो देखिए ये एक बाहर का वॉल बनाया जा रहा है या इस मंदिर भव्य राम मंदिर परिसर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर का वॉल वो बनाया जा रहा है, जिसको रिटर्निंग वॉल बोलते हैं, कि कभी सरयू नदी जो कि महज यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है वो अपने रास्ता बदलती हैं, तो उनके द्वारा सरयू नदी के द्वारा इस भव्य राम मंदिर को कहीं से नुकसान ना पहुंचे उस वजह से एक रिटर्निंग वॉल भी बनाई जा रही है, उसका भी निर्माण कार्य लगातार अभी जारी है।